हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गुलानिया, प्रोफेशनल नेटवर्कर, बिजनेस कोच एंड यूथ आइकॉन। दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाला हूं। क्या आप भी एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो के माध्यम से आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने की एक नई उम्मीद मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं जिंदगी की वास्तविकता की। पैसा हमारे जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हर महीने सर्वाइव होने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें सन 1940 की, तो सिर्फ 10 रुपए में पूरा महीना निकल जाता था। ठीक 20 साल बाद सन 1960 के दशक में 100 रुपए में घर चल जाता था। उसके और आगे 20 साल बाद सन 1980 के दशक में घर चलाने के लिए 1,000 रुपए चाहिए होते थे। और 20 साल बाद सन 2000 में वो 1,000 के पीछे एक जीरो ऐड हो गया और महीने के 10,000 रुपए चाहिए थे घर चलाने के लिए। और बात करें लगातार बढ़ती हुई महंगाई की, तो 2020 तक हर महीने सिर्फ घर चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना दोस्तों, हर 20 साल बाद एक जीरो ऐड हो रहा है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगर हमने आज नहीं सोचा, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत ही मुश्किलियों से भरा होगा। तो फिर करें क्या? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या कर सकते हैं? आप किसी के वहां जॉब कर सकते हैं और जॉब से मिली सैलरी से पूरी जिंदगी काट सकते हैं, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हो तो। और अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पैसों को इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किस्मत वाले हैं, तो लॉटरी लग सकती है करोड़ों की, और आपको तो पता ही है लॉटरी लाखों लोगों में एक इंसान को लगती है। या फिर अगर आप अच्छे दिखते हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चा करके सेलिब्रिटी बन जाए और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पिताजी या दादाजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो उनके जाने के बाद वो आपको विरासत में मिल सकता है, तो बिना कुछ किए भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पैसा लगाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और पैसा कमाएं। यानी पैसे कमाने के तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन होता ये दोस्तों कि ज्यादातर लोग काम तो बहुत करते हैं, मगर उनके पास पैसा बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दुनिया के सभी लोगों को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन टाइम बहुत होता है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो लोगों की है जिनके पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। यानी ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा होगा, नहीं? तो बोलते हैं यार पैसे भी नहीं है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इंसान के पास टाइम नहीं है, यानी वो बहुत मेहनत करता होगा पैसे कमाने के लिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास पैसा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो इंसान व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास बहुत पैसा है और एंजॉय करने के लिए टाइम भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे दोस्तों? यस, आप उन लोगों की कैटेगरी में आना चाहेंगे जिनके पास पैसा भी हो और एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, दुनिया में लीगली पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। वो हम समझते हैं ESBI कॉन्सेप्ट से। ई यानी एम्प्लॉय, जो इंसान जॉब करते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके पास डिग्री या टैलेंट है, या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा। बी यानी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, टाटा, अंबानी, बिरला, जिनके पास हजारों लोग होते हैं काम करने के लिए। और आई यानी इन्वेस्टर्स, जो खुद काम नहीं करते, पैसों से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। अभी हम इन चारों कैटेगरीज को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड पे ई और एस यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड पे बी और आई यानी बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। हकीकत यह है दोस्तों कि दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड पे है, यानी जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो राइट साइड पे है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। लेकिन ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। तो क्या मूलभूत फर्क है इन दोनों के बीच में? ये जो 95% लोग हैं, वो खुद काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, और 5% लोग हैं, वो लोगों से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। 95% लोग एक दिन में लिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, इसलिए इनकी इनकम लिमिटेड रहती है। लेकिन 5% लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टाइम लिवरेज करते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं।
आइए अब बात करते हैं 95% लोगों की लिमिटेशंस क्या है। ये 95% लोग जो जॉब करते हैं या डॉक्टर्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये लोग दिन में एवरेज 8 घंटा काम करते हैं, और पूरे साल भर में संडेज और हॉलीडेज निकाल दे तो एवरेज 300 दिन काम करते हैं। उस हिसाब से ये लोग एक साल में 2400 घंटा काम करते हैं। अभी मान लीजिए 20 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो पूरी जिंदगी में 40 साल काम करते हैं, यानी एक साल के 2400 घंटों के काम के हिसाब से 40 साल में उनका टोटल 96,000 घंटों का काम होता है। अभी मान लीजिए इनका मंथली सैलरी है 50,000 रुपये, तो एक साल में ये लोग 6 लाख रुपए कमाते हैं और 40 सालों में टोटल 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाते हैं। ये कब? जब इनकी मंथली इनकम 50,000 रुपये हो तब। इससे कम होगी तो कम कमाएंगे। और आप तो जानते ही है कि ज्यादातर नौकरी करने वालों की सैलरी क्या होती है। अगर आप अपनी कमाई से हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं तो 25 साल में आपकी 30 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। अगर 20,000 रुपये बचाते हैं तो 60 लाख रुपए सेव कर लेंगे, और अगर हर महीने 30,000 रुपये बचाते तो 25 सालों में आपकी 90 लाख रुपए की सेविंग हो सकती है। लेकिन ये सेविंग तब हो पाएगी दोस्तों जब आपके मेजर एक्सपेंसेस ना हो, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादी, हॉलीडेज, रिटायरमेंट के लिए फंड, दवाइयाँ वगैरह। और ये सब एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट करें तो शायद सेविंग्स माइनस में ही जाएगी। यानी आज के महंगाई के टाइम पे सेविंग्स बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। आज हर इंसान को पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी यानी जब वो ना हो तो भी पैसों की कोई फिक्र ना हो। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है लेकिन समय बहुत होता है, और सिक्योरिटी कोई नहीं होती है। जॉब पर्सन के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, हालांकि उनके पास पैसा नहीं होता इसलिए वो बाकी का समय कुछ पार्ट टाइम करने में लगा देते हैं, और उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास पैसा होता है मगर उनके पास समय नहीं होता है और सिक्योरिटी भी नहीं होती है। और रिटायर लोगों के पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं होते हैं इसलिए रिटायरमेंट लाइफ में उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, समय बहुत होता है उनके पास। ये सभी 95% लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी जब तक काम करते तब तक ही उनको पैसा मिलता है। लेकिन 5% लोग जो है जो पैसिव इनकम कमाते हैं, यानी जब वो काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी उनको पैसा आता है। एक किताब लिखी मिस्टर जे पॉल गेटी ने जिसका नाम था हाउ टू बी रिच, यानी अमीर कैसे बने। इस बुक में अमीर बनने के कुछ प्रिंसिपल बताए थे। पहला प्रिंसिपल ये है कि आप अपना खुद का व्यापार करें ऐसी चीजों का जो रोजाना यूज होती हो। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि आपकी इनकम एक से ज्यादा स्रोत से आनी चाहिए, यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। और तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो दूसरों लोगों को भी अमीर बनने में हेल्प करें। अब ये बुक पढ़ी एक अमेरिकन जेंटलमैन ने जिनका नाम था रे क्रॉक। उन्होंने पहला प्रिंसिपल अप्लाई किया, यानी खुद का रेस्टोरेंट खोला, और उनका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलने लगा। वहां पे कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइनें होने लगी, तो उन्होंने दूसरे प्रिंसिपल पे काम करने का सोचा। उन्होंने अलग अलग एरिया में से 10 लोगों को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग की। रे क्रॉक ने उन्हें कहा कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एरिया में भी ऐसा रेस्टोरेंट हो, लेकिन पैसा लगाओगे आप, उसे चलाओगे आप, मैं आपको दूंगा अपना ब्रांड नेम और खाना बनाने की रेसिपी। और अगर आप अपने रेस्टोरेंट से 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 4 रुपये आप मुझे दे देना, बाकी का सारा प्रॉफिट आपका। तो रेक्रो की बात सुनते ज्यादातर लोगों ने तो उन्हें मना कर दिया और कहा कि ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब बेकार की बात है, ये सक्सेसफुल नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान था जो उनकी बात से सहमत हो गया, तो उसने अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोल दिया और उसका रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चलने लगा। तो ये रेस्टोरेंट चलते देख बाकी सब लोग भी वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हम भी अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रेक्रो ने अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल दिए और हर रेस्टोरेंट से उनको पैसा आने लगा, यानी दूसरा प्रिंसिपल काम कर गया। तीसरा प्रिंसिपल भी यहां पे काम कर गया क्योंकि उन्होंने लोगों को अमीर बनने में हेल्प भी कर दी। माई डियर फ्रेंड्स, जिनकी हमने अभी बात की, रे क्रॉक, वो कोई और नहीं बल्कि वो थे द ऑनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट मैकडोनाल्ड्स के। और मैकडोनाल्ड्स की आज पूरे वर्ल्ड में 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। आइए अब देखते हैं इनकी मनी टाइम सिक्योरिटी क्या है। एक रेस्टोरेंट से अगर वो दिन का सिर्फ 100 रुपये भी कमाते हो
तो 36,000 रेस्टोरेंट से टोटल एक दिन में वो 36 लाख रुपए कमाते हैं। एक रेस्टोरेंट 10 घंटा दिन में खुला रहता हो तो 36,000 रेस्टोरेंट का टोटल 3,60,000 घंटों का काम होगा एक दिन में। सिक्योरिटी की बात करें तो मान लीजिए उनकी 1,000 रेस्टोरेंट बंद भी हो जाए, तो आज उनके पास 36 लाख रुपए आए, कल उनके पास 35 लाख रुपए आएंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? कुछ भी नहीं। दोस्तों, रे क्रो को मरे हुए 34 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, फिर भी आज रे क्रो फैमिली दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से एक फैमिली जानी जाती है। अच्छा, अभी यहां पे होता ये था कि जो मेन ऑनर थे रे क्रो, सिर्फ वो ही आगे फ्रेंचाइजी दे सकते, यानी वो ही दूसरी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते। जो रेस्टोरेंट के ऑनर थे उनको कोई हक नहीं था कि वो आगे और फ्रेंचाइजी दे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता था सिर्फ रे क्रो को। तो 1960 में ये सोचा गया कि वर्तमान फ्रेंचाइजी ऑनर को भी मौका दिया जाए कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी दे और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सके। यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम की, यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की, यहां से शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। दोस्तों, यहां तक आप ये तो समझ गए होंगे कि अमीर बनने के लिए खुद का बिजनेस करना पड़ेगा, तो कौन सा बिजनेस करें? मार्केट में तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, तो क्या फर्क है ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में? आइए बात करते हैं पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी की बॉटल बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी बना के आगे सप्लाई करती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर वो आगे सप्लाई करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, और बीच में आ जाती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिर जाके वो पहुंचती है कस्टमर तक। अभी 1 लीटर पानी की बॉटल जो 2.5 रुपए में बनती है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए की हो जाती है। यह बीच का सारा प्रॉफिट ऊपर वालों में बट जाता है। ये कॉन्सेप्ट पे अगर कस्टमर प्रोडक्ट यूज भी करेगा और उसको अच्छा लगेगा तो दूसरों को रेफर भी करेगा। जैसे हर इंसान का ह्यूमन नेचर होता है, कोई भी प्रोडक्ट लिया उससे फायदा हुआ तो दूसरों को बताया, जैसे मूवी देखी अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को बताते हैं, कोई मॉल में गए शॉपिंग की वहां पे डिस्काउंट्स मिला तो दूसरों को बताते हैं हम। ठीक है, तो हमें बताने का कोई पैसा मिलता नहीं है, यानी हमने फ्री में प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लेकिन ऊपर वाले सब लोग कमाते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके उलट नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहां पे मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और वो सीधा डायरेक्ट कस्टमर को दे देता है। यहां पे कस्टमर प्रोडक्ट यूज करता है, उसको अच्छा लगता है तो वो डायरेक्ट दूसरे लोगों को प्रमोट करने लगता है। ठीक है, यहां पे कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं होती है तो कस्टमर ही आगे दूसरों को रेफर करता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा बीच वालों में बट जाता था वही पैसा यहां पे कंपनी दे देती है कस्टमर को, यानी उसकी वजह से प्रोडक्ट बिका तो कंपनी ने उसको प्रॉफिट दे दिया, यानी यहां पे कस्टमर बन गया डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस पार्टनर, और हर कस्टमर को यहां पे मौका है कि आगे प्रोडक्ट प्रमोट करके अपना नेटवर्क बनाए, और यहां से कस्टमर भी पैसे कमा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अलग अलग प्रकार के कंपनसेशन प्लान होते हैं, जिसमें से एक है बाइनरी प्लान। इसमें आप अपने डायरेक्ट में सिर्फ 2 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो 2 लोग भी आगे सिर्फ दो दो लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स को बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। दूसरा है फोर्स मैट्रिक्स प्लान, जिसमें आप 3 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, वो 3 लोग भी आगे तीन तीन लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। और एक प्लान है जो है जनरेशन प्लान। यहाँ पे आपके पास स्पॉन्सरिंग की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और वो लोग भी अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी नेटवर्क बहुत ही बड़ा बन सकता है ये प्लान में। और जहां पे आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, इनडायरेक्टली वहां पे आप अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हो। और हम ये जनरेशन प्लान पे काम करते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लान है। देखते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लिवरेज कैसे होता है। मान लीजिए आप इस बिजनेस में रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, और आपने अपने साथ अपने 5 दोस्तों को ये बिजनेस में स्पॉन्सर किया, और हर एक दोस्त दिन का 8 घंटा काम करता है, तो आपका पूरे दिन का 48 घंटों का काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर दिया, यानी अब आप 5% लोगों की कैटेगरी में आना शुरू हो गए। अभी आप अमीर भी बन सकते हैं और आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं।
बहुत सारे लोग गलती से ये मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी है या फिर लॉटरी है, जहाँ पे आप आते ही रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको एन ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राफ में लेफ्ट साइड पे एफर्ट्स और राइट साइड पे इनकम दिखाया है। जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं, ये बिजनेस आपको सीखना पड़ता है। तो पहले साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपकी इनकम थोड़ी कम रहती है, लेकिन दूसरे साल आपकी टीम थोड़ी बन जाती है तो आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। 3 साल में एफर्ट्स और इनकम ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, और इसी तरह 5 साल में आपके एफर्ट्स बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी टीम में काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, और बहुत ही कम मेहनत करके आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं यहाँ पे। ये सिस्टम ड्रिवन पे है, आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आपको पैसा मिल रहा है और आपकी इनकम बढ़ रही है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको अनाज चाहिए तो अनाज की खेती कर ले, 4 महीनों में अनाज मिल जाएगा आपको, फिर दोबारा चाहिए तो दोबारा खेती करनी पड़ेगी। यही है जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपको आम चाहिए तो आम की गुठली बोए, हो सकता है 4 साल तक आम ना मिले, लेकिन 4 साल बाद इतने आम मिलेंगे, इतने आम मिलेंगे, अगलो 200 साल तक आम मिलते ही रहेंगे। दोस्तों यही है नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या राय रखते हैं? बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो कहते हैं अगर मुझे अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करनी हो तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सब लोगों को मौका देता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। महान इन्वेस्टर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले फायदे समझने चाहिए। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, जिनकी खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अब तक का। ये तो थे सब विदेश के लोग। बात करते हमारे हिंदुस्तान की, तो महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है और हर यंग इंसान को इससे जुड़ना चाहिए, अदरवाइज अपनी यूथ एज का मैक्सिमम फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि 2017 की शुरुआत से ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे आगे होगा, और 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस भी जारी की और डिक्लेयर किया कि यह एक लीगल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है और घर से कमाई का सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा न्यूज़पेपर्स में भी आ चुका है। दोस्तों अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ 64,500 करोड़ तक होने वाला है, और ये इंडस्ट्री 100 से ज़्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली चल रही है, और यूएसए के अंदर तो इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 180 बिलियन डॉलर का है। महिलाओं के लिए ये इंडस्ट्री सबसे बेस्ट मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मुख्य उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन यानी पर्सनल केयर और स्किन केयर के रहते हैं, तो महिलाओं के लिए ये बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। DNA न्यूज़पेपर के अंदर भी इसका आर्टिकल आ चुका है दोस्तों। 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 64,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होने वाली है। तो दोस्तों जो भी इंसान इस इंडस्ट्री से जुड़ेगा वो अपना भविष्य जबरदस्त बना सकता है। ये है विश्व प्रख्यात इकोनॉमिस्ट, मल्टी मिलियनर, एंटरप्रेन्योर, ऑथर और 2 US प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर पॉल जैन पिल्जर। वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इन्होंने अपनी बुक द वेलनेस रिवॉल्यूशन से बताया है कि आने वाले सालों में आप वेलनेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए बिना उसका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री यानी ऐसे लोगों पर आधारित उद्योग जो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, जो कभी बीमार नहीं होना चाहते और अपनी जिंदगी का भरपूर मजा लेना चाहते हैं। वेलनेस इंडस्ट्रीज ऐसे वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो लोगों को यंग और हेल्दी रहने में मदद करें। दूसरी है सिकनेस इंडस्ट्री, ये ऐसे लोगों पर आधारित उद्योग है जो बीमार है और दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी सिकनेस इंडस्ट्री दवाइयाँ बनाती है जो बीमार लोग यूज करते हैं। आज के समय में सिकनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है।
आप देख सकते हैं बीमार होता हुआ बचपन, छोटी छोटी उम्र में ही ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही है। कैन वी ट्रस्ट अवर डॉक्टर? आज की ये सिचुएशन है दोस्तों, हवा में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। ये है आज की रियलिटी। केमिकल फैक्ट्रीज बढ़ रही है जिसकी वजह से हवा दिन ब दिन खराब हो रही है। ज्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट नदियों में डाल रही है जिसकी वजह से दिन ब दिन वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इसी वजह से पानी की शुद्धता भी धीरे धीरे कम हो रही है। जिस क्वालिटी का पानी हमें 30 साल पहले मिलता था, क्या वैसा पानी अभी हमें मिल रहा है? शायद नहीं। जो खाना हम खा रहे हैं वो भी खराब हो चुका है। खाने के हर निवाले के साथ हमारे बॉडी के अंदर जहर जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे शरीर को सर्वाइव होने के लिए चाहिए हवा, पानी और खुराक। अगर ये तीनों चीज़ें हमें अच्छी मिलती है तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है, लेकिन ये तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों में से कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस वातावरण में हम जी रहे हैं उसी में हमें सांस लेना है, जो पानी अवेलेबल है उसी को पीना है, और जो खाना हमें मिल रहा है जैसा भी उसे ही खाना है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल है वो है हमारी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स, और वो हम ऑलरेडी बदल चुके हैं। ये है ज़्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल। इरेगुलर वर्किंग आवर्स, यानी काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं, कभी भी काम करते हैं। पहले के टाइम पे लोग दिन में काम करते थे, रात को सोते थे। आज के समय में लोग रात को काम करते हैं, दिन में सोते हैं। साथ में टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, सिगरेट्स, तंबाकू, अल्कोहल प्लस स्ट्रेस, एक इंसानी शरीर को खराब करने के लिए इससे ज्यादा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परफेक्ट रेसिपी फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जरा सोचिए दोस्तों, इसमें से कुछ आपकी जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है? हमारी बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन एक चीज ऐड हो गई, वो है मेडिसिन। आज बदलती हुई जीवन शैली और बढ़ती हुई बीमारियों के कारण मेडिसिन हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा बन गई, लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिससे साइड इफेक्ट्स होती है। लोगों को अब हेल्थ की समझ आ रही है, वो समझ रहे हैं कि नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने ही पड़ेंगे अगर उन्हें स्वस्थ रहना है तो। वेलनेस प्रोडक्ट्स अब सबकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाले हैं। इंडिया में 2016 में हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का टर्नओवर 10.5 हजार करोड़ रुपए का था, जो 2025 तक 65 हजार करोड़ रुपए का होने वाला है। जरा सोचिए कि आप अब तक इस इंडस्ट्री में नहीं थे, फिर भी ये 10 हजार करोड़ तक पहुंच गई थी। तो अगर अब इस इंडस्ट्री का पार्ट आप नहीं बनेंगे तो क्या ये इंडस्ट्री 65 हजार करोड़ पे नहीं पहुंचेगी? दोस्तों, ये इंडस्ट्री किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। हर इंडस्ट्रीज का एक टाइम होता है। 1980 का दशक पर्सनल कंप्यूटर का था, 1990 का दशक इंटरनेट का था, 2000 का दशक स्टॉक मार्केट का था, और आने वाला दशक और इसके आगे भी लोग सालाना $1000 बिलियन खर्च करेंगे हेल्थ और वेलनेस पे। तो मेरे दोस्त, डाउट ना करे, जुड़ जाए इस इंडस्ट्री से और अपना भविष्य संवारे। अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं और अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था, आपको अवसर नहीं मिला था। जब आपके बच्चे और आपके पोते 21वीं सदी की महान क्रांति के बारे में आपसे पूछे, तो आप बहाना नहीं बना सकते कि आप इस अवसर को समझ नहीं पाए। आंकड़े सही है, विधान सही है, वक्त भी सही है। राइट टाइम राइट प्लेस, सही समय पर आप सही जगह होंगे तो आप कामयाब हैं। कुछ भी करिए दोस्त, मगर ये अवसर हाथ से ना जाने दें। और हमारी इंडस्ट्री है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। हम आपको ऑफर करते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल। यह बिजनेस आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विरासत में दे सकते हैं दोस्तों। जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है, आप उनसे जाने कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है और आप अपने सपनों को यहाँ से कैसे पूरे कर सकते हैं। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ये काम है टीम वर्क का दोस्तों।
अगर साथ मिलके टीम बना के काम करते हैं तो सब इंसान यहाँ पे बहुत कुछ पा सकते हैं। दूसरी जगह ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब्स में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यही इंडस्ट्री है कि आप एक दूसरों को हेल्प करके, एक दूसरों को सपोर्ट करके उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो और आप अपना खुद का भी डेवलपमेंट कर सकते हो। और लास्ट में जाते जाते आपको इतना जरूर कहूंगा कि नेवर गिव अप, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को मत छोड़ना, हमेशा टिके रहना, लड़ते रहना और काम करते रहना। इसी के साथ मैं विशाल गोलानिया आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जिंदगी में एक नई उम्मीद मिली हो अपने सपनों को पूरे करने की। अगर आपके अंदर भी एक सच्चा इंसान है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों को जो अपने जीवन में सपनों को पूरे करने की चाहत रखते हैं। आप स्वस्थ रहे, समृद्ध हो और खुश रहो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं और फिर से एक नए वीडियो में मिलने का वादा करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।